नमस्ते और साईं पैलेस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ सुनीता जी से, जो ये मैं शिनापुरम में जब स्टार्टिंग में नया मेरा क्लिनिक यहाँ सेटअप हुआ था तब भाभी फर्स्ट मेरी पेशेंट थी। तो आज भाभी से मिलवा रही हूँ और भाभी से मैं अपना एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ कि भाभी आपको कैसा लगा और कैसा रहा आपको मेरे साथ टर्म्स, कैसे लगे और कैसा ट्रीटमेंट रहा और क्या आपको दिक्कत थी मुझे। तो आपके अच्छे ही है। अच्छा, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, मेरा ये जो ये था तो इसमें बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कई जगह दिखाया पर मेरे को आराम नहीं मिला। सर्वाइकल था। हाँ, सर्वाइकल भी था। फिर ज्योति मैम ने मेरे को बुलाया कि भाई आप आओ क्लिनिक पे करवाओ, तो फिर मैं आई, अच्छे से इन्होंने करा। उसके बाद इनकी जो लगन है उनके हिसाब से करा, कोई टेबलेट वगैरह कोई दवा नहीं है, तो इनके हाथ में ऐसा जादू है, है ना, साईं की कृपा है बस। तो मेरा तो क्या है, 10 दिन में जैसे इसमें बहुत आराम आ गया। उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सर्वाइकल भी था वो भी इन्होंने ठीक करा, वो कंधे का भी तो भी करा। अब मेरा पैर का दर्द है जी, तो अब मैं वो करवाना है, बाकी हाथ का एकदम ठीक है, ठीक हो गया। हाँ। तो अभी मैंने आपको कौन कौन सी थेरेपी दी आपको, कोई आपको दवाइयाँ गोली नहीं, दवाई गोली तो है नहीं, मैनुअल थेरेपी, मैनुअल कप वगैरह जो भी सभी ये दिए और मालिश वगैरह जो भी ये करा दिया। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह तो कुल मिलाकर आपको मैनुअल थेरेपी से आराम। हाँ, बहुत बहुत रिलीफ मिला मेरे को जी। मैं बताना चाहूंगी कि भाभी को जब भाभी जब मुझसे स्टार्टिंग मिले थे तब इनको फ्रोजन भी था और सर्वाइकल था, बहुत कंधों में दर्द था और उन्होंने काफी जगह से ट्रीटमेंट भी लिया था, लेकिन भाभी ने मुझे बताया कि मैं मेडिसिन पे ही चलती थी, मेडिसिन लिया थोड़ा सा ठीक हुआ वापस फिर हो जाता था। तो जब डे वन मुझसे मिले मैंने कहा मैं आपको प्रॉपर कम्प्लीटली ठीक कर दूंगी पूरी तरीके से, आपको आपको रोज आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं, लेकिन ऐसा होता ना कि आप जब मेडिसिन कंटिन्यू ले रहे हो और आपको दर्द में आराम नहीं हो रहा तो फिर ये थेरेपी में क्या होगा। तो मैंने उनको समझाया कि मैं बहुत सारी थेरेपी भाभी आपको देके बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तो भाभी मेरी पड़ोस में भी रहती थी तो मुझे लगता था कि ऐसे पड़ोसी है, पहला एक्सपीरियंस भाभी, पहला एक्सपीरियंस और लास्ट एक्सपीरियंस होता है ये भाभी के साथ मेरा था। भाभी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने बहुत पेशेंट भेजे अपने और इनके रेफरेंस से बहुत पेशेंट आए मेरे पास, कई गूंगे बच्चे आए, भाभी ने कई लोगों को घुटनों के लिए भी मेरे पास रिकमेंड करा। तो मैंने इनको मैनुअल थेरेपी से, भाभी कितना टाइम लगा आपने को, एक डेढ़ महीने में मैंने कंप्लीट इनको फ्रोजन और उनका सर्वाइकल 15-20 दिन में तो मेरे को अच्छा आराम मिल गया था जी। तो 15-20 दिन में भाभी को पूरा अच्छा आराम मिल गया था और 1-1.5 महीने में भाभी को पूरी तरीके से ठीक हो गया, कंप्लीट ठीक है, बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं है आपको। तो क्या कहना चाहेंगे आप मेरे लिए भाभी? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, ऐसे पेशेंट आए आते रहे और इनके पास और दिखाओ और इनके साथ जो भी अच्छा करते जी, बहुत आरामदायक है। थैंक यू सो मच, बस ये कृपा है मेरे साईं की कि बहुत जल्दी लोगों को ठीक हो जाता है। तो अब भाभी मेरे पास आए हैं घुटने के लिए, घुटने के लिए आए तो होप्स हो कि बहुत जल्दी घुटने भी ठीक कर दूंगी आपके। घुटने भी ठीक है, बाकी यहाँ तो घुटने में तो मुझे आराम मिला अभी 7-8 दिन में जी, बाकी थोड़ा सा मेरे को नीचे पंजे में। अब भाभी की एड़ी में भी दर्द है, यानी भाभी घुटने और एड़ी के दर्द लेकर आए हैं मेरे पास। होप्स हो कि दोबारा वीडियो बनाऊंगी भाभी का यही फीडबैक होगा कि बिल्कुल मैं ठीक हो गई। थैंक यू सो मच।